हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज फिर हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें, खुदावन के नाम को जलाल दे सकें और उसकी आवाज को सुन सकें। तो मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? बता दें। साफ आ रही है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो आए मेरे साथ निकाले खुदावन के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 66 बाब और उसकी पहली दो आयात हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 66 बाब उसकी पहली दो आयात खुदा के कलाम में से लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई, खुदावन फरमाता है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। खुदावन के कलाम में यहाँ पे हमने पढ़ा कि खुदावन फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है। खुदावन बयान करता है कि मैं ही खालिक हूँ, मैं ही हर चीज को बनाने वाला हूँ और मैं ही आसमानों में कायम, जमीन पर भी मेरा इख्तियार है। तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओ और कौन सी जगह जो मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो मेरे ही हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई है, खुदावन फरमाता है। क्योंकि खुदावन हर चीज को बनाने वाला है, वो कादर मुक्ति खुदा है, हर एक चीज उसके हाथ ने बनाई। हम अगर हम देखें पैदाइश की किताब में तो हर चीज खुदा ने एक तरतीब के साथ बनाई, हर एक चीज को उसने खूबसूरती से बनाया है ताकि इंसान इन सारी चीजों से महजूज हो सके, उनसे लुत्फ उठा सके, इंजॉय कर सके जिंदगी को और खुदा उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह, क्योंकि इंसान है वो खुदा को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है। कभी चर्च में कुछ चीजें दे दी, दही की हदीये, कुर्बानियां और हर वो काम करने की कोशिश करता है जिससे इंसान, जिससे खुदा जो है वो राजी हो तो खुदावन खुश। तो यहाँ पर किस तरह खुदावन कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है मैंने ही बनाई और यूं मौजूद हुई है, तो क्या तुम मेरे लिए कैसा तुम घर बनाओगे और कौन सी जो है आरामगाह जो मेरे लिए तैयार करोगे। तो फिर वह उसके जवाब में खुदावन कहता है कि लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है, उसी शख्स पर निगाह करूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि गरीब और शिकस्ता दिल। गरीब का मतलब है जो मुसीबत ज्यादा हो, जरूरतमंद हो, पस्त हो या हम्बल हलीम भी कहा जा सकता है। तो फिर आ गया है शिकस्ता दिल के बारे में भी है कि शिकस्ता का एक मतलब है लंगड़ा या पछताना भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वो इस चीज को बयान करता है। अगर हम कलामे मुकद्दस में देखें, ज़बूर में अगर देखें, तो चूंकि खुदावन कहता है कि हर चीज मैं ही बनाने वाला हूँ, तो ज़बूर नंबर 50 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अगर मैं भूखा होता तो तुझ से ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। तो खुदावन बयान करता है कि हर चीज का बनाने वाला मैं ही हूँ, और अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी जो है वो मेरी ही है। तो खुदावन बयान करता है इन बातों को कि किस तरह वो सारी चीजों को तख्लीक करने वाला, लेकिन क्योंकि इंसान चाहता है कि वो किसी अपने अमाल से, अपनी हर एक चीज से खुदावन को खुश करे, उसके नाम को जलाल दे। तो खुदावन बयान करता है कि ये सारी चीजें तो मैंने बनाई है, लेकिन मेरे जो दिल के करीब बात है वो ये है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब है, जो शिकस्ता दिल है, गरीब, जो मुसीबत ज्यादा हलीम मोहताज है। तो
चूंकि हम बाइबल मुकदस में देखते हैं कि बड़े सारे जो हवाला जात हमें इसके बारे में मिलते हैं, गरीबी के, अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील में भी देखते हैं, मुबारकबादियों में भी, कि अगर वहां पर अगर देखें मुबारकबादियों में 5वां बाब है उसका, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, वहां पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो खुदावन यहाँ पर बयान करता है कि उसी पर जो गरीब है, और खुदावन कहता है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो गरीब जो शख्स है जो किसी दूसरे पर भरोसा करता है, किसी दूसरे पर एतमाद करता है, किसी जरूरत अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए वो किसी की तरफ हाथ फैलाता है कि किसी ना किसी तरह से मेरी जरूरत पूरी हो, और वो चाहता है कि मेरी गुर्बत जो है वो दूर हो सके, मैं खा सकूं, मैं पी सकूं। तो खुदावन भी यहाँ पर बयान करता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब है, जो मुझ पर भरोसा करता है और जो मेरी तरफ अपनी निगाहें लगाए रखता है। तो खुदावन यहाँ पर बयान करता है कि किस तरह वो एक गरीब जो खुदावन पर भरोसा करता है, उस पर निगाह करता है। फिर आगे हम देखते हैं किस तरह कहता है, उस पर जो शिकस्ता दिल है, गरीब है और शिकस्ता दिल है। अगर हम यूसाया नबी का सीफा उसके 57 जो है बाब उसके 15वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वो जो आली और बुलंद है और अब्दुल अबाद तक कायम है, जिसका नाम कुदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरोतन है, ताकि फरोतनों की रूह को जिंदा करूं और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूं। तो यहाँ पर भी खुदावन बयान करता है कि खुदावन जो है फरोतनों की रूह को जिंदा करता है और शिकस्ता जो दिल है उनको हयात बख्शा है। हम देखते हैं कि एक जगह लिखा हुआ है कि खुदावन जो है शिकस्ता दिलों के, टूटे हुए दिलों के जख्मों को बांधता है। तो जो शिकस्ता है, जो टूटा हुआ है और जो भरोसा करता है खुदावन पर, खुदावन उसके उसको उसके जख्मों को बांधता है, उसको उठा कर खड़ा करता है, उसको सेहत बख्शता है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी खुदावन उसकी उसका उसके साथ होता है, खुदावन उसकी मदद करता है। तो अगर हम देखें जबूर नंबर 34 और उसकी जबूर नंबर 34 और उसकी 18वीं आयत में, तो वहां पर भी लिखा है, जबूर नंबर 34 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, सॉरी मैं जेन से निकल गया, जबूर नंबर 34 वहां पर भी इसी के बारे में लिखा हुआ कि खुदावन जो है वो शिकस्ता दिलों को जो है वो बांधता है। फिर आगे कहते हैं, जो उन पर जो मेरे कलाम से कांप जाता है, शिकस्ता दिल अगर हम देखें तो वहां पर अगर हवाला है पैदाइश की किताब में, हम देखते हैं कि यकूब जब उसकी फनीएल में जब वो कुश्ती करता है एक शख्स के साथ, वहां पर लिखा है, और 23वीं आयत में देखें, वहां पर पैदाइश 32वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और यकूब अकेला रह गया, और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे लड़ाई लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और यकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई, और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पो फट चली। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब उसकी रान को उसने छुआ, तो एक मुफसर कहता है कि जब उसकी रान को छुआ तो वो लंगड़ाने लग गया। तो यहाँ पर भी अगर हमने पढ़ा है कि शिकस्ता का मतलब है लंगड़ाना, तो जब उसने लंगड़ाना शुरू कर दिया, जब वो कोई शख्स लंगड़ाता है क्योंकि उसका वजन जो है एक ही टांग पर होता है और एक टांग जो है वो मजदूर जैसी होती है, मतलब वो काम नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो दूसरे पर भरोसा कर रहा है। तो यहाँ पर भी यकूब को, कीरान को जब छुआ गया
तो वो उसने अपना सारा जो बर्डन था, अपना सारा जो वजन था, वो उस शख्स पर डाल दिया और उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। तो कलाम यहाँ पर हमें बयान करता है कि किस तरह के खुदावन उस शख्स पर निगाह करता है जो गरीब है और शिकस्ता दिल है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा सैमुअल उसके उसके चौथे बाब में भी, वहां पर हम देखते हैं कि साउल का जो पोता है उसके बारे में कि वहां पर वो किस तरह चौथा बाब उसकी दूसरा सैमुअल उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, और साउल के बेटे यूनतन का एक लंगड़ा बेटा था। जब साउल और यूनतन की खबर यज्रील से पहुंची तो वो 5 वर्ष का था, सो उसकी दाया उसको उठाकर भागी और उसने जो भागने में जल्दी की तो ऐसा हुआ कि वो गिर पड़ा और लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबुस था। तो आगे हम इसके बारे में सारी स्टोरी 9वें बाब में पढ़ते हैं कि किस तरह दाऊद ने चूंकि फतुहात पाई थी, जंगे उसने जीती थी और उसमें सारा उसकी जो फैमिली थी साउल की वो जाती रही, तो दाऊद जो है वो दाऊद साउल के जो घराने में से बात करता कहता। फिर 9वें बाब की पहली आयत से फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं। यूनतन का जो बेटा था उसके बारे में बात करें, और साउल के घराने का एक खादिम बनाम ज़ीबा था, उसे दाऊद के पास लाए और बादशाह ने उससे कहा, क्या तू ज़ीबा है? उसने कहा, हाँ तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? तो ज़ीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह को, अगर हम सारे हवाले को पढ़ें तो किस तरह वो जो है उसका साउल का जो पोता है वो दाऊद के पास आता है और उसको कहता है, दाऊद उससे कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फिर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाया करेगा। फिर तब उसने सीधा किया और कहा कि तेरा बंदा क्या है, क्या चीज है कि तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह उसने जो है अपने आप को पस्त किया और झुका दिया, और जब झुकाया उसने तो दाऊद कहता है कि तू मेरे दस्तरखान पर खाया करेगा और तेरे बाप की दाप जो साउल की जो सारी जमीन है वो तुझे मैं फिर दे दूंगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह कलाम कहते हैं कि खुदावंद उस पर निगाह करेगा, मैं उस पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह जो है मफीबोस जो है वो झुकता है, शिकस्ता होता है, तो और दाऊद उससे कहता है कि तेरे बाप की जो सारी जमीन है वो मैं तुझे दे दूंगा और अपने दस्तरखान पर तू मेरे साथ तू खाना खाया करेगा, मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। तो खुदावन चाहता है कि हम भी पस्त हों, हम भी शिकस्ता हों, हम भी जो है वो अपने आप को बेयारो मददगार समझें, खुदावन पर भरोसा करें ताकि हमारी इस जो शिकस्ता दिली है उसको बरकत में बदल दे, जिस तरह उसने अपने आप को पस्त कर और दाऊद ने उससे वादा किया कि उसके साथ वो इन सारे औकात को हासिल करेगा और सारी जमीन जो है उसके जो बाप साउल की है वो मैं उसे फिर दे दूंगा। तो खुदावन हमारी जिंदगियों से ये चाहता है कि हम जो है शिकस्ता हों, पस्त हों, ताकि खुदावन अपनी जो उसकी बादशाही में वो सारी नेमतें, वो सारी बरकतें हैं जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हुई हैं, जो खो चुकी थी, जो इबलीस की वजह से जा चुकी थी और गुनाह की वजह से दूर हो चुकी थी हमसे, खुदावन हमारी जिंदगियों से भी ये चाहता है कि हम शिकस्ता हों, उन सारी बरकात को हासिल कर सकें, हम जो हैं वो उन बरकात में दाखिल हो सके, शामिल हो सकें जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हुई हैं, ताकि हम खुदावन की बरकात को हासिल कर सकें। और जिस तरह बहुत से खुदा के खादिम कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, मूसा, फिर यशुआ है
उन सब के बारे में भी कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को पस्त किया, अपने आप को खुदावन के हजूर में ले आए, अपने आप को खुदावन के आगे रख दिया। तो जब उन्होंने रखा और शिकस्ता दिल हुए तो खुदावन ने उनको बरकत बख्शी, खुदावन ने उनको बरकत बख्शी, तरक्की बख्शी, और फिर जो है वो खुदावन की बरकत में शामिल हुए। फिर आगे हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे कलाम से कांप जाता है इसके बारे में, कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 23वीं आयत में यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। तो जरूरत है कि उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जगा दें। हम जब हम शिकस्ता होंगे, जब हम अपने आप को हलीम बनाएंगे, जब हम अपने आप को जरूरतमंद जो है महसूस करेंगे, मुसीबत ज्यादा महसूस करेंगे, तो फिर खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करेगा। और उसका कलाम वहां पर लिखा हुआ है, शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। और जरूर है कि हम उसके कलाम से जो है वो अपनी जिंदगियों में जगह दे, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दे, उसका कलाम जो है हमारी जिंदगी में जगह पकड़े, ताकि हम अपने खुदावन पर भरोसा कर सके, हम अपने आप को पस्त कर सके, ताकि हम खुदावन पर भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी दूसरी चीज पर भरोसा किए हुए हैं, कोई पैसे पर भरोसा किए हुए हैं, कोई अपनी फैमिली पर या किसी शख्स पर भरोसा, कोई शख्स जो है वो अपने आप पर ही भरोसा किए हुए होता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, किसी दूसरे पर नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैंने बनाई है, उन सारी चीजों को जो जमीन पर है वो सब कुछ मेरा, मैंने तख्लीक किया है, मैंने बनाया है। तो जरूरत है कि हम शिकस्ता हों, हम खुदावंद पर भरोसा करें, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में जगा दें, उसके कलाम को सुनकर, जिस तरह दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह जब नातन नबी ने उसके साथ शेयर किया कि तूने गुनाह किया है, तो कलाम कहता है कि वो बंदा दाऊद जो है खुदा का बंदा वो उस कलाम से कांप गया, उसने तौबा की। 51 ज़बूर में अगर हम देखें तो वहां पर कहता है, खुदावन मुझे इस खून के जुर्म से छुड़ा, खुदावन तभी मेरे मुंह से तेरी प्रस्तिश निकलेगी, खुदावन मेरी मुझे ना निजात की शादमानी फिर अनायत कर। वहां पर हम पूरे बाब में देखते हैं कि किस तरह वो अपने आप को खुदा के हजूर में लेके आता है, किस तरह वो अपने आप को पस्त करता है, कहते हैं कि खुदावन तू मुझे साफ कर तो ही मैं पाक हूंगा, मुझे धो और बर्फ से ज्यादा सफेद तू मुझे कर सकता है, तू मुझे जब धोएगा मेरे गुनाहों को माफ करेगा, मेरी बदकारी को मिटा डालेगा, तो फिर ही मुझे निजात की शादमानी हासिल होगी, फिर ही मैं तेरा जो कलाम है वो दूसरों तक पहुंचा सकूंगा, और फिर ही कहता कि फिर ही गुनेगार जो है वो तेरी तरफ रजू करेंगे। ये तब होगा जब हम उसके कलाम से कांप जाएंगे, जिस तरह दाऊद जब उसके साथ कलाम हुआ, जब खुदा नातन के जरिए बोला उसके साथ, तो वो कांप गया और कहता है कि खुदावन ऐ मेरे निजात बख्श, खुदा मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गा गया, खुदावन मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी। कहते कि क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता, सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह जो है वो खुदा की कुर्बानी है, ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। तो यहाँ पर भी हम किस देखते हैं कि किस तरह वो अपने आप को खुदा के हुजूर में पस्त करता है, कहता है शिकस्ता रूह जो है वो खुदा की कुर्बानी है। अगर उसके पास बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा वो जो है वो पैसे वाला था, कहता है कि अगर तेरी खुशनुदी कुर्बानी में होती तो मैं देता, लेकिन तेरी खुशनुदी इसमें नहीं है बल्कि तेरी खुशनुदी है
शिकस्ता रूह, शिकस्ता दिल, क्योंकि तू शिकस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। खुदावंत चाहता है कि हम शिकस्ता हों, हम खुदावंत पर भरोसा करें, जिस तरह दाऊद जो है वो खुदा का बंदा, किस तरह वो खुदा के कलाम से काम किया, उसकी जो जिसके साथ खुदावंत ने कलाम किया वो कांप गया और अपने आप को खुदा के हुजूर में उसने पस्त कर दिया, गिरा दिया। तो फिर खुदावंत उस पर, फिर इसीलिए कलाम कहता है कि खुदावंत उसके बारे में कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। ये तभी होगा जब हम खुदावंत के कलाम को एक्सेप्ट करेंगे, उसके कलाम, क्योंकि हम कई दफा सुनाते भी है कलाम, सुनते भी है कलाम, सब कुछ होता है, लेकिन एक जैसे एक बंदे की आदत हो जाती है सुनने की, सुनाने की, लेकिन वो कई दफा असर नहीं करता है, सुन हो जाते हैं। तो खुदा चाहता है कि हम फिर से खुदावंद के हुजूर में आए, फिर से हम आंसू के साथ अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें, शिकस्ता हो जाए हमारा जो अंदरूनी एक सिस्टम जो इबलीस की वजह से हो गया है, स्टक हो गए हैं। खुदावंद चाहता है इसके उसमें तोड़ फोड़ हो, खुदावंद उसको उन सारी बिल्डिंग्स को गिराए जो कि इबलीस की तरफ से है, और खुदावंद हमें शिकस्ता करे, हम अपने आप को खुदा के हुजूर में ले आए, ताकि खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में इज्जत जलाल पाए, हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। लेकिन जरूर है कि हम शिकस्ता हों, क्योंकि खुदावंद शिकस्ता रूह पर खुदावंद अपनी निगाह करता है, खुदावंद उसको देखता है कि ये बंदा, ये बंदी जो है वो मेरे हुजूर में आई, इसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, ताकि मैं इस पर नजर करूं, आगे मेरा जो काम है मैं इसकी जिंदगी में कर सकूं। कि जब हम अपना आप खुदावंद के हाथों में दे देते हैं, जब अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में देते हैं, तो फिर खुदावंद का काम है कि हमें किस तरह चलाए, किस तरह हमसे खिदमत ले, किस तरह हम जिंदगी गुजारें। ये खुदावंद जरूरी है कि खुदावंद हमारी जिंदगियों पर बादशाही करे, और इसके लिए जरूरी है कि हम शिकस्ता हो जाए, फिर ही खुदावंद जो है वो हमारी, हमारे ऊपर निगाह करेगा। निगाह तो उसकी हर इंसान पर है, लेकिन क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर एक चीज जो है वो खुदावंद उनको मुहैया करता है, सूरज भी उन पर चमकाता है, हर चीज को उनको देता है। लेकिन कलाम कहते हैं कि खुदावंद उन उस शख्स पर निगाह करता है, खुदावंद अपना दिल उस पर खोलता है, खुदावंद अपने भेदों को उस पर खोलता है जो शिकस्ता हो जाए, जो अपने आप को खुदावंद के हुजूर में ले आए, शिकस्ता कर दे, जो खुदावंद पर भरोसा करे। तो फिर खुदावंद जो है उस पर अपने भेदों को जाहिर करता है, खुदावंद अपने कलाम को नाजिल करता है, खुदावंद अपने मुकाशफात बख्शता है। तो जरूर है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथों में दें। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है कि खुदावंद उस पर निगाह करता है, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और मेरे कलाम से कांप जाता है, खुदावंद ये फरमा रहा है। तो जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हाथों में दें, ताकि हम खुदावंद हमारी जिंदगियों पर निगाह करे, खुदावंद हमें देखे, क्योंकि फिर किसी इंसान की जरूरत नहीं रहती, किसी ऐसे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती तो जो हम पर निगाह कर, जो हमारी पस्त हाली को देखे, बल्कि जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं, तो फिर खुदा हम पर निगाह करता है, हमें शेर करता है, आसुदा करता है, बहाल कर देता है, और दुनिया देखती है कि जिसके साथ खुदावंद हो वो कभी भी जो है वो शिकस्त, वो जो दुनिया में, दुनिया उस पर गालिब नहीं आ सकती, बल्कि खुदावंद उसके साथ होता है। तो जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हाथों में दें, हम शिकस्ता हो जाएं, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों पर निगाह करे, हम पर निगाह करे, और हमारी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन अमीन अमीन। खुदावंद का शुक्र इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदावंद के यसाया नबी क्या कहता है कि तुम मेरे लिए किस जगह, अगर आसमान मेरी तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी, तुम्हें किस लिए। मुझे खुदावंद जो दे रहा था कि खुदावंद ये बता रहा था इस कलाम से, मारिया ने बड़े अच्छे और खूबसूरत तरीके से खुदावंद के कलाम को बयान किया कि खुदावंद कहता है कि आई एम,
mean I am in everything and everything in within me. That mean कि मेरी हर चीज तो मेरी है, जैसे मारिया ने कहा हर चीज तो मेरी है, लेकिन खुदावंद किसके अंदर घर बनाना चाहता है? वो इंसान के अंदर घर बनाना चाहता है। शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह जो है वो चाहता है कि भी जो मेरे डर और खौफ में रहे, जैसे कि कलाम मुकद्दस ने उसने खुद ही कहा है कि ना तो मुझे घोड़े की ताकत से खुशी मिलती है और ना ही मुझे आदमियों की खूबसूरत पिंडलियों या उसकी खूबसूरत बॉडी से, मुझे उससे खुशनूदी मिलती है जो मेरे डर और खौफ में रहता है, जो मेरे डर और खौफ में कांपता है। इसको कहने का मतलब है कि खुदावन हर चीज में खुदावंद है, हर चीज खुदावन की है और खुदावन ही में हर चीज कायम है। तो खुदावंद अगर किस में रहना चाहता है, कहाँ तख्त बनाना चाहता है, वो इंसान के अंदर तख्त बनाना चाहता है, वो शिकस्ता रूह के अंदर रहना चाहता है। तो यही आज हम इस कलाम से हमने बरकत पाई। हम खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे साथ सिस्टर नसरीन है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहें और दूसरों के लिए भी ये बरकत का बायस बने जिस तरह हमें इससे बरकत हासिल हुई है। सिस्टर नसरीन आप वहां पे हैं तो प्लीज आप खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, वरना मारिया आप ही खुदा उनके इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें। जी मैं, हाँ जी, अगर सिस्टर नसरीन नहीं है तो आप करें जी। चले आइए हम दुआ करते हैं। मैं इधर सॉरी, हम को स्टॉप करेंगे सिस्टर, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करें।